सो गाइस अभी जो है मैं आया हुआ था ऊपर। मैं सोचा चलो अभी हो चुका है सुबह, अपने सभी कबूतरों को जाल के अंदर खोल देते हैं। लेकिन जैसा कि मैंने आप लोग को इससे पिछले वाली वीडियो में बताया था कि हमारा जो है एक कबूतर काफ़ी ज़्यादा बीमार चल रहा है, मतलब दो कबूतर बीमार हो गए थे बट एक कबूतर जो है रिकवर हो गया और एक जो है रिकवर नहीं हो पा रहा है। और इसका कंडीशन जो है मुझे कल शाम को भी बहुत ही ज़्यादा खराब लग रहा था। जैसे ही मैं आज ऊपर आया अपने कबूतरों को बाहर निकालने के लिए, वैसे ही देख रहा हूँ तो भाई ये देखो ये बेचारा जो है यहाँ पर पड़ा हुआ है। यहाँ पे अपने सभी सिंगल कबूतर बैठे हुए हैं और ये बेचारा एक्सपायर हो गया भाई। इसको सबसे पहले हम लोग यहाँ से उठाते हैं, क्या कर सकते हैं भाई। ये कबूतर को बीमारी में आए हुए 4-5 दिन हो चुका था। हम लोग जो है इसका ट्रीटमेंट भी कर रहे थे, मेडिसिन भी दे रहा था बट ये कबूतर जो है रिकवर नहीं हुआ। इसके साथ में ही एक और बच्चा है उसको भी सेम दिक्कत था और उसका भी जो है सेम ट्रीटमेंट हो रहा था बट वो जो है पूरे तरीके से रिकवर हो गया बट ये बेचारा भाई सही नहीं हो पाया। तो चलो सबसे पहले मैं इसको लेके चलता हूँ बाहर, क्या कर सकते हैं भाई, इसके नसीब में नहीं होगा बचना। ये देखो वो अभी जो है गाइस बहुत ही ज़्यादा प्यारा था लेकिन क्या कर सकते हैं भाई, बीमारी में आ गया। हम लोग उसका ट्रीटमेंट भी किए, बचाने का ट्राई भी किए लेकिन शायद उसके नसीब में नहीं होगा और वो जो है आज हमको छोड़ के जा चुका है। वो अभी जो है गाइस सेम ऐसा ही दिखता था और मैंने जो है दो पट्ठों का जोड़ा लाया था बट मेरे हिसाब से ये जो है मेल निकलता और वो फीमेल। अभी कोई कंफर्म नहीं था, ये भी नहीं घुटकता था वो भी नहीं घुटकता लेकिन मैं जो है अंदाजा से ऐसा बता रहा हूँ क्योंकि ये मेरे को थोड़ा बहुत मेल के जैसा दिखता था और वो थोड़ी फीमेल के जैसी दिखती थी। तो अभी इसका भी कोई कंफर्म नहीं है कि मेल है या फिर फीमेल है। तो चलो भाई जो होना था वो तो हो चुका है। अभी फिलहाल मैं ये सब पेटी का कवर ओवर मैं फोल्ड करके ऊपर कर देता हूँ। ये जो सामने आप लोग को बच्चा दिख रहा है इसको भी जो है सेम दिक्कत था, ये भी काफी ज्यादा कमजोर हो गया था। मेरे को जो है इसका कंडीशन देख के लग रहा था कि इसका बचना शायद मुश्किल ही होगा क्योंकि अभी जो है ये काफी ज्यादा छोटा है बट मैं जो है इसका भी ट्रीटमेंट कर रहा था और अपने रोलर कबूतर का भी ट्रीटमेंट कर रहा था और ये जो है भाई इस समय पूरे तरीके से हो चुका है ठीक। ये देखो रोलर कबूतर था वो बेचारा सर्वाइव नहीं कर पाया। तो गाइस किस्मत की बात होती है, इसके नसीब में शायद बचना लिखा होगा तो ये बेचारा बच गया, उसके नसीब में बचना नहीं होगा तो वो एक्सपायर हो गया। गाइस जैसा कि आप लोगों ने सुबह के टाइम पे देखा था कि हमारा जो ग्राउंड रोलर पिजन था वो बेचारा सुबह के टाइम पे एक्सपायर हुआ पड़ा हुआ था, जो है उसे सुबह के टाइम पे हटा दिया था। अभी जो है हो चुका है शाम एंड मैं आ चुका हूँ छत पे। लेकिन अगर आप लोग हमारे छत पे नज़र डालोगे तो इस टाइम पे कुछ ज़्यादा ही छत पे कबूतरों का पर आप लोगों को दिखेगा। ये देखो यहाँ पे भी पूरा कबूतरों का पंख है, इधर भी इतना सारा जो है कबूतरों का पंख निकला हुआ है, ये देख रहे हो। ये देखो इसका रीज़न ये है कि भाई इस समय जो है अपने कबूतर पर झाड़ कर रहे हैं। आप में से बहुत सारे लोगों को पर झाड़ का मतलब पता होगा और कुछ लोगों को शायद नहीं पता होगा तो वो लोगों को बता दूं गाइस, एक सीज़न आता है जब अपने कबूतर जो पुराने पर निकालते हैं और उसके जगह पे नए पर लाते हैं। जैसे कि पेड़ पौधा में भी एक सीज़न आता है, पतझड़ का मौसम आता है, जो पेड़ पौधे होते हैं उनका जो पुराने पत्ते हैं वो गिर जाते हैं और फिर जो है नए पत्ते आते हैं। कुछ उसी टाइप से आप जो है इनको भी समझ सकते हो, इनका भी एक झाड़ का सीज़न आता है, कबूतरों का जो पंख है उस टाइम पर जो है गिरता है। यहाँ पर हमारी ब्लैक फैंटेल फीम जिसको हम लोगों ने अभी कुछ दिन पहले ही लाया था और इसका पर जो है अभी भी बंधा हुआ है तो मैं सोच रहा हूं क्यों ना आज इसको हम लोग आजाद कर देते हैं। ये भी जो है आराम से इधर से उधर कर सकती है, मतलब वैसे भी ये घूम फिर रही है, कोई कैद में नहीं है लेकिन अगर हम लोग इसका पर खोल देंगे तो ये जो है पेटी के ऊपर नीचे आराम से कर सकती है। ये देखो बहुत ही प्यारी दिखती है भाई। चलो सबसे पहले मैं इसको पकड़ता हूँ और इसका पर हम लोग खोल देते हैं। इस टाइम पे जो है इसके दोनों साइड के पर टेप से बंधे हुए हैं तो चलो अभी जो है मैं एक एक करके इसका पर खोल देता हूँ। और गाइस ये एक फैंसी कबूतर है, अगर इसका पर नहीं भी बंधा होता तो शायद ये कबूतर कहीं उड़ के जाता बट इसका पर जो है बंधा हुआ था तो मैंने सोचा चलो 2-3 दिन इसका पर बंधे ही रहने देते हैं उसके बाद खोलेंगे। एक साइड का पर तो खोल दिया है, दूसरे साइड का भी खोल देते हैं। ये खुल गया भाई, इस साइड का भी पंख। ये है गाइस फीमेल का पर, ठीक है, और ये है इसकी टेल। चलो अभी फिलहाल मैं इसको हम लोग छोड़ देते हैं, जा भाई। ये देखो और गाइस यहां पे अपना जो किंग कबूतर है ये मस्ती मार रहा है, देखो अभी बारी है अपने बाकी के सभी कबूतरों को निकालने का बाहर। लेकिन यहाँ पे देखो एक जो है हमारे पास न्यू कबूतर आया है, जो हमारा नहीं, ये जो है सनी का कबूतर है, ठीक है।
इसने जो है पर बांध के ही दिया हुआ था, लेकिन इसने जो है खुद से ही अपना पर खोल लिया है और अभी जो है मुझे अपने कबूतरों को निकालना है बाहर। तो गाइस मैं जो है फिलहाल मैं ये सोच रहा हूँ कि ऐसा ना हो कि हम लोग अपने कबूतरों को बाहर निकालें और ये कबूतर जो है यहाँ से निकल जाए, ठीक है। वैसे अगर निकलेगा भी तो शायद उन लोग के पास चला जाए, और इस टाइम पे जो है छत पे टेप भी नहीं है, नहीं तो मैं इसका पर बांध देता। और जो यहाँ पे ब्लैक सेंटेल फीमेल है, इसका पर मैंने अभी खोला है। गाइस मुझे जो है उस टाइम पे ध्यान था नहीं कि भाई उसका भी पर बांधना है, और गलती से मैंने उसका जो दोनों टेप था वो फेंक दिया भाई, नहीं तो उसी टेप से जो है हम लोग थोड़ा बहुत उसको बांध सकते थे। सो गाइस चलो छोड़ो, जो होगा देखा जाएगा। अभी जो है ये कबूतर को मैं अपने कबूतरों के साथ में निकालता हूँ बाहर बिना पर बांधे ही, और ट्राई करेंगे कि ये कबूतर ना उड़े। अगर कबूतर नहीं उड़ता है तब तो काफ़ी अच्छी बात रहेगी, लेकिन बाई चांस गलती से कबूतर उड़ जाता है तो मैं जो है सनी को कॉल करके बता दूंगा कि भाई तेरा कबूतर जो है यहाँ से उड़ गया है। और कबूतर जो है उसका है तो उसके घर के साइड तो जाएगा ही, और अगर उधर जाता है तो वो जो है इसको फड़क मार के नीचे उतार लेगा। तो चलो अभी निकालते हैं अपने कबूतरों को बाहर। आ चला, यहाँ पे चेक करो, यहाँ पे जो है अपने सभी कबूतर आ चुके हैं बाहर। कुछ कुछ कबूतर जो है अपना उड़ना भी स्टार्ट हो चुके हैं। एंड जिस पिलाकड़े कबूतर की मैं बात कर रहा था वो कहाँ गया भाई, उड़ गया क्या? नहीं, ये रहा, ये देखो गाइस, ये खा रहा है दाना। और गाइस अभी चेक करो, ये उड़ गया भाई, ये उड़ गया, ये देखो ये निकला, ये देखो गाइस। मेरे को लगा था ये कबूतर नहीं जाएगा, बट ये जो है उड़ गया, तो देखते हैं आके बैठता है या फिर नहीं। वैसे तो अपने कबूतर यहाँ पे खुले ही हुए हैं, ये देखो। आ आ आ भाई, ये निकल रहा है कबूतर, ठीक है। मुझे लगा था कि शायद नहीं जाएगा, बट अभी जो है वो कबूतर निकल गया। तो चलो मैं उसको फ़ोन करके भी बता देता हूँ कि भाई तेरा कबूतर जो है उड़ गया है। ये देखो दोबारा से आ रहा है, ये आ गया, ये उड़ रहा है। अरे बोल रहा हूँ वो नीलम उड़ गया, ये देख छत पे आ रहा है एक नीलम मेरा उड़ रहा है छत पे, उसके साथ में देख नीचे उड़ रहा है कबूतर। अभी अभी उड़ा है भाई, इतने टाइम से तो नहीं उड़ा था, मस्ती वस्ती मार रहा था। देख थोड़ा उस पर ध्यान देना, देख अभी बिल्डिंग के साइड गया है, देख इधर आएगा तो इधर उतर ही जाएगा वो। हाँ इसीलिए मैंने फोन किया कि अगर तेरे इधर जाएगा तो उतार लेना, ठीक है। इधर तो नहीं आ रहा है, उधर ही आया, देख तेरे उधर ही उड़ रहा है। हाँ मेरे ही छत पे आया हुआ है, चल ठीक है, ठीक है। हाँ जो पर चिपका रहा है ना वही है, उतर जाएगा वापस तेरे इधर ही। खाना वाना खाया कि नहीं? नहीं अभी नहीं खाया। हाँ ठीक है, देखता हूँ। चल तो अभी जो है मैंने उसको बता भी दिया है, क्योंकि अगर बाई चांस कबूतर वो लोग का है, अगर उन लोग के साइड निकलता है वो लोग जो है कबूतर का फड़क देके उसको उतार लेंगे। लेकिन अभी तो फिलहाल में कबूतर जो है अपने ही छत के ऊपर उड़ रहा है, ये देखो एक कबूतर ये उड़ रहा है अपना, उसके ऊपर दो और उड़ रहे हैं, और इस कबूतर के साथ में जो है सनी का कबूतर भी उड़ रहा है। तो अगर यहाँ पे भी उतर जाता है तो कोई दिक्कत नहीं है, और अगर यहाँ पे बाई चांस नहीं उतरता है तो फिर जो है वो अपनी जगह पे चला जाएगा। बट अभी तो फिलहाल में भाई अपने कबूतर का साथ पकड़ के उड़ रहा है, और उसके ऊपर अपने दो कबूतर लगे हुए हैं। भाई जो कबूतर उड़ा हुआ था वो जो है दोबारा से अपने छत पे आके बैठ गया, ये देखो मैं जो है यहाँ पे रोटी डाला हूँ, अपने सभी कबूतर खा रहे हैं, और वो कबूतर भी आ चुका है, ये रहा भाई, ठीक है। तो चलो अच्छी बात है कि कबूतर जो है अपने ही पास रिटर्न आया है। तो अभी जो है मैं उसको फ़ोन करके बता देता हूँ, नहीं तो वो इंतज़ार कर रहा होगा कि भाई कबूतर उड़ गया है, वहाँ भी नहीं गया और अपने पास भी नहीं आया, तो उसको बता देता हूँ। बोल रहा हूँ आ गया तेरा कबूतर, आ गया ना वापस? हाँ आ गया, ठीक है, अच्छा है, आ गया। तो बोल रहा हूँ लेके कब जाएगा, कल? आज 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 शाम को। चल ठीक है, पूछा क्या है खा गया है पता नहीं, मिला नहीं, अभी लेके जाएगा शाम को, नहीं तो फिर कल लेके जाएगा। चल ठीक, कल नहीं तो आज तो पक्का निकल ही जाएगा। चल ठीक। तो भाई जिसका कबूतर है मैंने उसको भी बता दिया है कि भाई तेरा कबूतर जो है दोबारा से रिटर्न वापस आ गया है, ठीक है। तो चलो इन लोगों को आराम से हम लोग घूमने फिरने देते हैं, खाने पीने देते हैं, और जो अपने कबूतर ऊपर उड़ रहे थे वो जो है इस टाइम पे भी उड़ रहे हैं। तो गाइस इस टाइम पे जो है अपने सभी कबूतर खा पी के हो चुके हैं अंदर। तो अभी के लिए फिलहाल में इतना ही, वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक ठोक देना है, चैनल पर नया और चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो सब्सक्राइब कर देना। हम लोग मिलते हैं फिर से और अच्छी सी वीडियो में, तब तक के लिए बाय।